बिहार में छात्रों के लिए पीएचडी कोर्स के लिए अब मास्टर्स की डिग्री नहीं होगी बाध्य। अब बिना मास्टर्स लिए भी छात्र पीएचडी कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में अब ग्रेजुएशन कोर्स जो है वो 4 साल का हो गया है और जल्द ही शुरू भी हो जाएगा। सभी यूनिवर्सिटी में नए सेशन 2023 से इसकी शुरुआत हो जाएगी। एक तरह के पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। वहीं अब छात्रों के लिए पीएचडी के लिए मास्टर्स डिग्री की जरूरी अब नहीं होगी। अगर आप कुछ शर्तों को पूरा करते हैं तो सीधे ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी कर सकते हैं। देखिए, बिहार के सभी विश्वविद्यालय में नए सत्र 2023 से 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स जो है वो शुरू हो जाएगा। सभी विश्वविद्यालय व कॉलेजों के लिए एक तरह के पाठ्यक्रम बनाए जा रहे हैं। इस पाठ्यक्रम में यूजीसी की गाइडलाइन का ख्याल रखा जाएगा। यूजीसी ने 4 साल के ग्रेजुएशन के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव और नियम सभी विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दिया है। पीएचडी एडमिशन के नियमों को भी यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। नए नोटिफिकेशन के अनुसार अब आप ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। मास्टर्स डिग्री करने की कोई जरूरत नहीं होगी। पहले छात्रों को बैचलर डिग्री करना होता था और फिर वो मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ही पीएचडी कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हालांकि इसमें कुछ शर्तें आपको पूरी करनी होगी। इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही आप बैचलर डिग्री के बाद डायरेक्ट पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे। आइए आपको बताते हैं कि अगर आप भी ग्रेजुएट होने के बाद डायरेक्ट पीएचडी करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। यूजीसी पीएचडी एडमिशन रिवाइज्ड रूल्स के अनुसार अगर आपने 4 साल का बैचलर डिग्री कोर्स किया है और आपका सीजीपीए 7.5 है या इससे ऊपर है तो आपको पीएचडी में सीधे दाखिला मिल सकता है। 2 साल का पीजी कोर्स अलग से करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं होगी। वहीं वर्किंग प्रोफेशनल्स भी कर सकते हैं पीएचडी। अगर 4 साल का कोर्स करने के बाद पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट या सेकेंड ईयर में कभी भी पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं वर्किंग प्रोफेशनल्स भी पार्ट टाइम रिसर्च कोर्स कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनकी कंपनी या संस्था से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी लेकर यूनिवर्सिटी में जमा करना होगा, तभी वो ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए, अब इस तरीके से ऐसा होगा जहां की नया नियम बन रहा है कि 2023 के सेशन में जो छात्र एडमिशन लेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, उनका ग्रेजुएशन का कोर्स जो है वो 4 साल का हो जाएगा। और आगे यह भी होता था कि पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए पहले उन्हें मास्टर्स की डिग्री जो है वो कंप्लीट करनी होती थी, तो अब इस नियम के तहत आप जो है वो डायरेक्ट पीएचडी कोर्स ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं।